अमरोहा को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दी बड़ी सौगात। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीटी स्कैन मशीन का ऑनलाइन लोकार्पण किया। इस दौरान भाजपा विधायक, भाजपा जिला अध्यक्ष और डीएम मौजूद रहे। जोया रोड पर स्थित जिला अस्पताल में लगाई गई सीटी स्कैन मशीन। तो स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी का ये आप देख रहे हैं एक तस्वीर, जिसमें भाजपा विधायक और तमाम लोग वहां से शामिल हैं और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सिटी स्कैन मशीन का लोकार्पण किया। पास सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मिशन 2024 की बात कर लेते हैं। पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन से इनकार कर दिया। मऊ में पार्टी के महीने के समीक्षा बैठक में आए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम लोकसभा की 32 सीटों पर असर रखते हैं और हम अकेले ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, इस बाबत अपना कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का कोई गठबंधन की बात नहीं है। हालांकि बिहार में एक रैली के बाद रुख साफ करने की बात भी कही गई है। हम 32 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं पूर्वांचल में। 32 सीटें मांग रहे हैं लोकसभा में? 32 सीटों पर प्रभाव रखते हैं। कितनी सीटें चाहेंगे? जब कोई बात करे तब न, कोई बात नहीं हुई है अभी किसी से, कोई बात नहीं चल रही है। करोड़ राजभर को चुनाव में खड़ा किया जा रहा है बीजेपी से, ये तो सूत्रों के हवाले से जो खबर है ये सरेसर गलत है। हमको खुद नहीं पता है, अरुण चुनाव ही नहीं लड़ेगा, उसको कौन लड़ा रहा है यही नहीं पता है। कब तक क्लियर हो जाएगा? क्या आपको क्या लगता है कब तक क्लियर करेंगे गठबंधन? अभी हम लोग वंचित शोषित जागरण महारैली बिहार में करेंगे 7 अक्टूबर को, तो 7 अक्टूबर तक फाइनल होगा। खबर यूपी उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर यूपी उत्तराखंड समेत पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में तेज बारिश से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। बारिश ने प्रशासन के दावों की एक बार फिर से पोल खोल कर रख दी है। मसूरी देहरादून मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग 707 AJP बैंड के पास भारी मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया है, जिससे रास्ते के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। दूसरी ओर मसूरी के कई जगह प्राकृतिक नाले बंद होने के कारण बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं कैसे घरों में बारिश का पानी घुसा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश से रास्ता जाम हो गया है और गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन द्वारा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम को भी सतर्क करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि अगर किसी प्रकार की कोई आपदा घटित होती है तो उसे तत्काल निपटने के लिए कार्यवाही कर लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां एक तरफ घरों में घुसा पानी और वहीं दूसरी तरफ सड़कों का बदहाल देखने को मिल रहा है, सड़कें बदहाल तरीके से देखने को मिल रही हैं। एक तरफ जहां नाले का गंदा पानी घरों में घुस रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर लंबा जाम लगा हुआ है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी से हुए गठबंधन का दर्द अखिलेश यादव अभी तक भूले नहीं है। अयोध्या में एक कार्यक्रम के दौरान जब अखिलेश यादव से 2024 में मायावती से गठबंधन कर सभी विपक्षी दलों के एकजुट होने पर सवाल पूछा गया, तो अखिलेश यादव का दर्द खुलकर सामने आ गया। उन्होंने बसपा से गठबंधन की चर्चा को चंडू खाने के गप बताया और साफ कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सवाल ये नहीं है कि कौन दल किसके साथ है, जनता बीजेपी को हराने के लिए मजबूत दल के साथ खड़ी होगी। एक कहावत है चंडू खाने की गप, अरे इतना बड़ा चैनल है क्या चंडू खाने की गप चलाते हो आप लोग? अरे कुछ होमवर्क करो आप, जनता बदलाव चाहती है और ये जो समस्या है उसका समाधान बीजेपी नहीं कर पाई है। आप वही मैं कह रहा हूँ, जनता तैयार है बीजेपी को हराने के लिए, सवाल ये नहीं है कि कौन दल किसके साथ है, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मजबूत दल के साथ खड़ी हो।
लखीमपुरी से खबर आ रही है जहां पर युवकों को जंगली हाथियों ने दौड़ा दौड़ा कर भगाया और घटना दुधवा नेशनल पार्क के गैरी फंटा रोड की है। दरअसल सड़क से गुजर रहे ये युवक हाथियों के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, किसी तरह युवकों ने भागकर जान बचाई। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से हाथियों का झुंड इन तीनों युवकों को दौड़ा रहा है। दरअसल ये लोग हाथियों के साथ सेल्फी लेने के लिए रुके थे, लेकिन बाद में ये डेंजरस सेल्फी इनके लिए ही जानलेवा साबित होने लगी। और फिर देख सकते हैं आप किस तरीके से हाथी इन तीनों युवक को भगाने लगा, दौड़ाने लगा। लखीमपुर खीरी के दुधवा नेशनल पार्क के रामपुर में तहसील परिसर में बंदर का आतंक देखने को मिला है। बैनामा कराने आए शख्स के करीब 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया बंदर, जिसके बाद तहसील परिसर में अफरा तफरी का माहौल मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद बंदर ने से वापस मिले पैसे, जिसके बाद शख्स ने राहत की सांस ली है। बताया जा रहा है कि तहसील परिसर में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। तो बैनामा कराने के लिए आए किसान की पैसे लेकर बंदर फरार हो गया, जिसके बाद काफी मशक्कत के बाद पैसे मिल पाए। 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हुआ था बंदर। यह तहसील ऑफिस का मंजर है जहां पर एक बंदर 1.5 लाख रुपए किसान के लेकर फरार हो गया था। बदायूं में दिव्यांग प्रखर ने पेश की मिसाल। बिना ट्यूशन, बिना किसी कोचिंग के नीट की परीक्षा पास की है। कोरोना काल में प्रखर के पिता का भी देहांत हो गया था, जिसके बाद प्रखर की मां ने प्रखर की पढ़ाई पूरी करवाई थी। 2 दिन पहले प्रखर को वीसी क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर ने भी सम्मानित किया है। लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बना प्रखर। सर, मेरा नाम है पवन डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मुझे डॉक्टर बनने की मोटिवेशन मिली कि मैंने नेट में सर्च किया था, और एक माँ पहले डॉक्टर बने थे। हेल्प लोगों से बहुत मिली। रजिस्ट्री ऑफिस में जो हमारे सर थे AIG सर, उन्होंने हमें बहुत हेल्प करी। वहाँ पे हमें एज ए प्राइवेट वर्कर जॉब दिया उन्होंने, और उसी का ये रहा कि हमें फाइनेंशियली मतलब बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें तो बहुत थी, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके हल्की सपोर्ट से भी हम आगे बढ़ते रहे। उसी वजह से सर इनका चला, इन्होंने 12th करा टिटोनस इंटरनेशनल स्कूल से, और फिर घर पर ही अपने आप ही सेल्फ स्टडी करके इसको क्लियर कर पाए ये सर। केदारनाथ धाम से इन दिनों रील बनाने के वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। इसी बीच एक और नया वीडियो सामने आया है, जिसमें मंदिर के सामने एक युवक एक लड़की की मांग भरता दिख रहा है, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन और मंदिर समिति की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। तीर्थ पुरोहित समाज ने भी मामले में कार्रवाई करने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने अब ऑपरेशन मर्यादा अभियान चलाने की बात कही है। इस अभियान के तहत पुलिस रील बनाने वालों पर नजर रखेगी, जिससे मर्यादा का उल्लंघन ना हो। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम से पहले भी ऐसे वीडियो वायरल होते रहे हैं, जिसको लेकर अब अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। पीलीभीत में बस ड्राइवर की लापरवाही से भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें करीब 6 से 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस चलाते वक्त ड्राइवर को नींद आ गई थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। बस दिल्ली से नेपाल जा रही थी और बस में करीब 36 यात्री सवार थे। गजरौला इलाके के NH यानी कि नेशनल हाईवे 730 टोल प्लाजा का ये मामला है। और अगली खबर जालौन से है, जहां पति संग इलाज कराकर घर लौट रही महिला कुएं में गिर जाती है, जिसे पुलिस ने चारपाई की मदद से रेस्क्यू कर बाहर निकाला है और महिला को इलाज के लिए CHC नदी गांव में भर्ती कराया है। हालांकि महिला की हालत नाजुक होने के चलते जिला अस्पताल उरई रेफर कर दिया गया है। नदी गांव थाना क्षेत्र के ग्राम
सलैया की घटना है ये। वहीं शाहजहांपुर में भी बारिश का कहर देखने को मिला। उत्तराखंड के बिलासपुर से सुखबीर एग्रो धान लेकर जा रहा ट्रक दिल्ली पलियार स्टेट हाईवे पर तेज बहाव के कारण ट्रक फंस गया। ट्रक में ड्राइवर और क्लीनर भी फंस गई और ड्राइवर और क्लीनर को की जान बचाने के लिए ट्रक की छत पर बैठना पड़ा। बता दें कि वर्तमान समय में भी PSHL स्टेट हाईवे पर चौड़ीकरण का कार्य चल रहा था, जिसके चलते भैंसी नदी की पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और वाहनों के निकलने के लिए नदी से होकर अस्थाई मार्ग बनाया गया था। ट्रक के फंसने के बाद सूचना पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी पहुंचे, लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही ड्राइवर और कंडक्टर को ग्रामीणों ने बचा लिया। उधर फायर ब्रिगेड के अधिकारी ने चेतावनी दी, जब तक नदी का पानी कम नहीं होता तब तक कोई भी वाहन इधर से ना निकाली जाए। गंगा नदी के बीच खाली जमीन पर पहुंचने कांवड़िए अचानक पानी बढ़ने से बुरी तरह से फंस गए। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद जल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों कांवड़ियों को बचा लिया। हरिद्वार में बड़ी संख्या में कांवड़िए पहुंच रहे हैं। पुलिस ने रस्सी लगाकर रखी है और बार बार रस्सी पार नहीं करने की अपील कर रही है, लेकिन फिर भी लोग रेलिंग फाड़ कर गंगा में स्टंट करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त, एक तरफ जहां बचावकर्ता कांवड़ियों को बचाने में लगे हुए हैं और आप दूसरी तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। अचानक पानी बढ़ने से लोग वहां फंस गए और फिर उन चारों कांवड़ियों को पुलिस ने बचा लिया। बात बुलंदशहर की कर लेते हैं, जहां महिला ने छेड़छाड़ का किया विरोध तो दबंग ने महिला को गाल काट लिया, महिला की गाल काट ली। बता दें कि घर में महिला को अकेली देखकर घर में घुसकर दबंगों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी थी और अब जब महिला ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो दबंग ने महिला के गाल काट लिए और हालांकि महिला की शोर मचाने पर आरोपी फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। ये पूरा मामला रामघाट क्षेत्र के रतुआ नगला का है, जहां आप देख सकते हैं कि कितने बुरे तरीके से महिला के गाल काटे गए हैं। जौनपुर में 5 लोगों को एक साथ एक कमरे में शव उनका मिला है। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक शख्स ने पत्नी और 3 बच्चों की हत्या करने के बाद अपने आप को भी फांसी से लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना मड़ियाहू तहसील जयरामपुर गांव की है। घटना की वजह पता नहीं लग पाई है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो जौनपुर में एक परिवार के 5 लोगों की शव बरामद हुए हैं। जौनपुर की वारदात है, जहां ये आशंका जताई जा रही है कि एक शख्स ने अपनी ही पत्नी और अपने बच्चों की हत्या करने के बाद खुद को भी फांसी लगा ली और आत्महत्या कर ली। फिलहाल अभी आत्महत्या या फिर इन हत्याओं की कारण का पता नहीं चल पाया है, पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। घटना की वजह अभी तक नहीं पता लग पाई है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रशासन की टीम वहां जुटी हुई है और ये मामले के बारे में जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इन हत्याओं का कारण क्या था। मेरठ में हुए सड़क हादसे में पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार बाल बाल बच गए। उनकी गाड़ी तो बेकाबू टैंकर ने जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे के बाद गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा कमिश्नरी आवास के पास हुआ। भीड़ में कंटेनर चालक को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। तो पूर्व क्रिकेटर प्रवीण की हालत अभी बिल्कुल स्वस्थ बताई जा रही है, खतरे से खाली बताई जा रही है। सड़क हादसे में बाल बाल बचे पूर्व क्रिकेटर प्रवीण कुमार। रायबरेली में खराब सड़क को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है और सड़क पर गड्ढों को लेकर आए दिन हादसे के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने PWD अधिकारी को हादसे का जिम्मेदार बताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा, शिकायत के बाद भी PWD विभाग ने अब तक सड़क की मरम्मत नहीं कराई।
तो कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों पर बड़ा सवाल उठाया है और लापरवाही करने का आरोप लगाया है। गड्ढे होने की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से धान की फसलें लगाई जा रही हैं गड्ढों पर। ये कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। गड्ढे होने से आए दिन परेशानियां होती रहती हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने अब जाकर के प्रदर्शन शुरू कर दिया है और पीडब्ल्यूडी पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही साथ काम नहीं करने का आरोप लगाया है। बात करते हैं नोएडा की, जहां सेक्टर 2 में एक कंपनी में अचानक भीषण आग लग जाती है, जिसके बाद फैक्ट्री में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। कंपनी में मौजूद लोगों ने किसी तरह से खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं लग पाया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो सेक्टर 2 की घटना है, जहां आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि एक फैक्ट्री में आग लग जाती है और किसी भी तरीके से लोगों ने अपना बचाव कर लिया। एस्कॉर्ट एशिया नामक ये कंपनी है, इसका सेल्स ऑफिस है यहाँ पे। इसके ग्राउंड फ्लोर में इलेक्ट्रिकल पैनल में आग लग गई थी, जहाँ की आप पीछे देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिकल पैनल है। क्योंकि इसके फायर स्टेशन से मात्र 500 मीटर की दूरी है, इसीलिए हम लोग की 3 गाड़ियाँ तत्काल प्रभाव से रवाना हुई। यहाँ आके देखा गया कि स्थानीय लोगों ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग को बुझा दिया था और कोई भी इसमें ऊपर में कोई भी व्यक्ति फंसा हुआ है नहीं है अभी, और कोई भी इंजुरी इसमें या कोई भी इसमें जनहानि नहीं है। और अब बात उन्नाव की कर लेते हैं, जहां पुलिस के हत्थे चढ़ा तस्करी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 शातिर अपराधी। उन्नाव की दही पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने कार्रवाई की और एक कंटेनर से करीब 198 किलो गांजा बरामद किया गया। साथ ही 6 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामद गांजा की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं गिरफ्तार तस्कर गाजियाबाद, कन्नौज एवं राजस्थान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बात महंगाई की कर लेते हैं। महंगाई की मार हर किसी को पड़ रही है। पूरे देश में सब्जियों के दामों में आग लगी हुई है। मुरादाबाद की सब्जी मंडी में भी सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, जिससे ग्राहक और दुकानदार दोनों परेशान हैं। यहाँ टमाटर और गोभी 160 रुपए किलो हो गए हैं, तो अदरक 350 रुपए किलो पहुंच गया है। मटर की अगर बात करें तो 100 रुपए किलो है और लौकी, तुरई, परमल और भिंडी भी 60 रुपए किलो से कम नहीं मिल रही है, जिससे लोगों के किचन का बजट बढ़ गया है और खाने का स्वाद फीका पड़ गया है। तो लगातार हो रही बारिश से सब्जियों के दाम में बहुत बढ़ोतरी हुई है, इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट में भिंडियों के या फिर हम कहें अन्य सब्जियों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और लोगों को इससे खास परेशानी हो रही है। बहुत ज्यादा पड़ रहा है, गरीब आदमी सब्जी खाएगा भी आएगा। टमाटर है कम से कम 200-125 रुपए, अदरक के करीबन 350-400 रुपए किलो, और कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो महंगी नहीं है। खाना कहाँ से, चटनी में गुजारा हो रही है आजकल। आलूओं पे आलू भी इतना महंगा है, सब्जी कमी होने की वजह से। अच्छा, बरसात हो रही है, फुल मंडी की हड़ताल हो रही है, इस वजह से सब्जी और महंगाई बहुत। और बाकी जैसे भिंडी है ये 60 रुपए बिक रही है, अभी 60 हो गई। अच्छा, 40 बिक रही थी पहले, 60 हो गई। और खीरा वगैरह, खीरा भी 60 रुपए बिक रही। परमल, परमल 80 रुपए किलो। मुरादाबाद की सब्जी मंडी में सब्जियों के भाव जो है वो आसमान छू रहे हैं, इसकी क्या वजह है? यहाँ जो सब्जी विक्रेता है उससे हम बात करते हैं। सर, ये बताइए जो सब्जियों के दाम है वो क्यों बढ़े हुए हैं आजकल, बहुत महंगे हैं? बारिश की वजह से बढ़े हुए हैं। हाँ, पीछे से हर चीज महंगाई है, यहाँ पर भी महंगाई है। अच्छा, जो फूल गोभी है, टमाटर है, वो कितने रुपए किलो? टमाटर भी 140 ले रहे हैं, फूल गोभी भी 140-150 ले रहे हैं। अच्छा, और जो मटर की फली है या और सब्जी है उनके क्या दाम है? मटर 100 रुपए किलो बिक रही है, पालक जैसी चीज भी 60 रुपए किलो, भिंडी 60 रुपए दे रही, तुरई भी 60 बिक रही है। अच्छा, और जो अदरक वगैरह है और ये नॉर्मल की बात है, ज़्यादा यूज नहीं करते, लेकिन वो भी 280-300 रुपए किलो है। जो पहले सेल होती थी उसके मुकाबले अब सेल तो सही है, मतलब बस ये है कि पहले इतने ठेले वाले नहीं थे तो
यहाँ आ रहा है ग्राहक, रेल पे तो ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ा, लेकिन बस लोग जो आधा किलो लेते तो 250 ग्राम ऐसा। ये गाजर वगैरह क्या भाव है? गाजर तो वैसे ही 50-60 रुपए 50-60 रुपए किलो। देखिए यहाँ पर जो सब्जियाँ हैं वो चाहे तुरई हो या फूल गोभी हो या टमाटर हो, हर सब्जी के दाम जो है वो बढ़े हुए हैं और इससे ग्राहक और दुकानदार दोनों परेशान हैं। फैजुर रहमान, न्यूज नेटवर्क, फरीदाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।